किसी भी जगह की एनर्जी कैसी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम वास्तु फॉल्ट समझ लेते हैं, उन्हें रेक्टिफाई कर लेते हैं, उसको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से भी रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है क्योंकि एनर्जी पे हम उतना काम नहीं कर पाते। या फिर आप, हमेशा मैं कहती हूँ कि एक तरह के लेआउट के जो घर होते हैं उसमें आप देखेंगे अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट मिलता है। कुछ फैमिलीज प्रॉस्पर करती हैं, कुछ नहीं करती। एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। हम जब भी बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो ये एग्जैक्टली है क्या? इसे क्वांटिफाई करना या इसे समझना कि हमारे आसपास कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज़ हैं जो हमें किसी तरह की नेगेटिविटी लाके दे रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं रह सकते। इस तरह के एनर्जी पॉइंट्स को पकड़ के उनको रेक्टिफाई करना या उन्हें न्यूट्रलाइज करना जो हम लैंड या फ्लोर लेवल पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्थ से जो भी रेडिएशंस आप तक पहुंच रहे हैं वो किस फॉर्म में आप तक पहुंच रहे हैं ये समझना एनर्जी का एक आस्पेक्ट है। अगर आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, उसके हर फ्लोर का एक सीरीज़ का जो वास्तु है वो सेम होगा, लेकिन हर एक फ्लैट की एनर्जी डिफरेंट होगी। इसीलिए सेम वास्तु होते हुए भी जो उसमें रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। एनर्जी को स्कैन करके पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पॉइंट्स को समझकर पॉजिटिव एनर्जी पॉइंट्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज करना और नेगेटिव एनर्जी पॉइंट्स को रेक्टिफाई करना या उन्हें न्यूट्रलाइज करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनर्जी बैलेंस का। तो जब आप इन टोटैलिटी वास्तु फॉल्ट्स का रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अपने डायरेक्शंस को एनहेंस कर लेते हैं और एनर्जी रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो इन टोटैलिटी आप एक स्पेस को पूरी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं और एक अपने चारों तरफ एक हाई एनर्जी, एक हाई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जो आपको हर तरीके से करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मेंटल पीस रिलेटेड, हर तरीके से वो आपको हेल्प करता है। इसीलिए वास्तु का सोल्यूशन अगर पूरी तरीके से करना है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इन्हें एक साथ कर सकते हैं और नहीं चाहें तो आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हैं, पर एनर्जी रेक्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तु करेक्शन का और इसे इग्नोर मत करिए।